हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग हम कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को आप देखिएगा। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, सकता है आपसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो आप वो रखिए, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड गाइज, वन मोर थिंग, अगर आप पर्सनिंग बुक करवाना चाहते हैं, अपने कनेक्शन को लेकर, अपने अपनी लाइफ को लेकर कुछ जानना समझना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पर्सनलिंग जो होती है वो चार्जेबल होती है। सो आप अपने पर्सन का नाम मनीमन धोराइए और चलिए हम देखते हैं उस व्यक्ति के मन में क्या कुछ चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ठीक है, आप इस रीडिंग को चाहे उनके साथ में कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, चाहे बात हो रही है नहीं हो रही है, दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हैं। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, आपका पर्सन कोई भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी रीडिंग देखी जा सकती है, नो डाउट। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और उनके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कॉइन, फोर ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोर्ड, वी हैव किंग ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम से आ रहा है टेन ऑफ सोर्ड। एक वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है आपके लिए, सबसे पहले बोलना चाहूंगी, ठीक है तो बड़ा फनी सा, लेकिन फनी नहीं है एट ऑल, राइट? है क्या वो गाना सुना, हैरी पॉटर फिल्म देखी है, जिसमें बोलता है ना, पानी कह दो पानी से बन जाए शरबत, जादू के आगे छुके पर्वत, कह दो पानी से बन जाए शरबत। तो इंसान कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो वो नहीं क्रिएट कर पा रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो हालात नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में वो ये है कि इंसान किस्मत के आगे झुक रहा है। किस्मत ऐसी है जो बार बार ठोकर पे ठोकर दे रही है और इंसान को समझ में नहीं आ रहा, यानी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि ठोकरें मुझे लग क्यों रही हैं, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है, या फिर किस्मत मेरा भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है, जबकि मैं अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन जो मार है किस्मत की, ठीक है, वो मेरे पर पड़ती ही चली जा रही है। मेरा कोई काम बन नहीं रहा, मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं जो भी कुछ ट्राई कर लूँ मिलना मुझे तो बस परेशानी है, जैसे मेरी किस्मत ने मेरे भाग्य में मतलब जो है वो परेशानी ही लिख दी है, राइट? तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ की यहाँ पे करंट सिचुएशन नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में बार बार इस ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहाँ पर इनको इनको जो चाहिए वो इनको मिल नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन जो है इस वक्त, मैं ये नहीं कहूँगी किस्मत की वजह से सब कुछ हो रहा है, इनकी लाइफ में हो रहा है इनकी डिज़ायर की वजह से। किस्मत इनको वो नहीं देना चाहती या उस रास्ते पर नहीं लेके जाना चाहती जो इनके लिए है ही नहीं, ठीक है। आप कहते हैं ना, चोट क्यों पड़ रही है आपके पर्सन को, चोट इसलिए पड़ रही है क्योंकि इन्होंने खुद गलत कुछ या तो चुन लिया है या कुछ ऐसा चुन लिया है जिसको इन्होंने अपने लिए इनको लगा था सही समझा है, लेकिन वो सही चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। और इसी वजह से इनको अपने उस लाइफ के अंदर वो सारे नेगेटिव आउटकम या परेशानियाँ या जो भी आप कहें ठोकरें इस समय इस व्यक्ति को खानी को पड़ रही हैं, राइट? तो ये इस व्यक्ति के लाइफ में चल रहा है, क्योंकि मैं आपको कार्ड दिखाऊँ ना, कार्ड यहाँ पे देखो क्या दिखा रहे हैं, नाइन ऑफ कप्स विद द डेविल आया है। तो ये जो एनर्जी है वो सीधे सीधे एक बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई इस व्यक्ति ने किसी को जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश की है, ये अदर देन यू हो सकता है, राइट? तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इस व्यक्ति ने सोच लिया था या ठान लिया था कि मुझे तो बस यही चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, वो इनको नहीं मिल पा रहा। अगर इन्होंने पा लिया है तो परेशानी है, और नहीं पाया है तो भी परेशानी है। तो दोनों तरफ से ये पर्सन परेशानियों से आप गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एनर्जी हो क्यों रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड है, वो सीधे सीधे एक बात को इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है, वो ये कि जो भी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लस्ट को,
डिज़ायर को एक एक बहुत स्ट्रांगली जैसे कहते हैं ना कि नहीं बस मुझे तो यही चाहिए, ठीक है, जैसे उसमें दो डूब जाना, उसमें उतर जाना, जिसमें आप कह सकते हो कि अभी इंसान की कुछ डिज़ायर ऐसी रही है जिसको वो हर हालत में हर कीमत पर फुलफिल करना चाह रहा था, ये चाह रही थी और करंटली चाह भी रहा है, लेकिन वो चीज़ें अब इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई है, 10 ऑफ सोर्ड मिल रहा है उसमें, यानी जो चाहा जो पाया वो पा तो लिया लेकिन प्रॉब्लम उसने दुगनी से ज़्यादा दी है, 4 गुना करके दी है। तो पहले प्रॉब्लम क्या चल रही थी, थोड़ी चल रही थी, अब प्रॉब्लम क्या हो गई, 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सिचुएशन इस व्यक्ति की लाइफ में नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी देखो हर एक से रीडिंग हर एक पर्सन के साथ में कोरिलेट करेगी, लेकिन ये ज़रूर है जो ये पाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये जिस रास्ते पर अभी चल रहे हैं आपके पर्सन, उस रास्ते पर इनको ठोकरें ही मिल रही हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रही हूँ, इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि ये शादीशुदा व्यक्ति हो और ये या तो किसी और से शादी करने के प्लान में थे या ही शादीशुदा, ज़्यादातर मुझे शादीशुदा नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यानी कि एक व्यक्ति शादीशुदा है, ठीक है, और उसने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला रखा है, राइट। अब ना तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके लिए सुकून दे पा रहा है, ना ही वो शादी जिसमें वो व्यक्ति है वो इसमें सुकून दे पा रहा है, तो दोनों जगह मुझे ये व्यक्ति उलझा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो शादी भी अब इनकी जो है वो इनको दर्द दे रही है, और उनका जो एक्स्ट्रा कनेक्शन है वो भी इनको दर्द दे रहा है, वो भी इनको तकलीफ दे रहा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आपके पर्सन ये कह सके कि यार मैंने अगर ये मैंने ज़बरदस्ती पाना चाहा तो उसने मुझे सुकून दिया, या फिर इसने मेरा जो भाग्य ने मेरे लिए रिश्ता चुना था उसने मुझे सुकून दिया, इस व्यक्ति की लाइफ में सुकून नहीं है, ठीक है। एक ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, दूसरा सिचुएशन ये नज़र आ रही है, ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैसेज हो सकता है कि ये व्यक्ति प्यार तो आपसे करता है पर शादी किसी और से कर बैठा है, या किसी और से शादी इनकी फिक्स हो गई है, हालातों के मद्देनजर में भी इस व्यक्ति ने शादी के लिए हाँ कर दी है, या फिर कहीं ना कहीं जैसे सरेंडर करके करा है, ठीक है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा तो है कि ये व्यक्ति आप किसी भी व्यक्ति के देख रहे हो, लेकिन राइट ना तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति अपनी हिम्मत को जैसे कि फिर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, ना तो यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो पा रही है ना ही वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो पा रही हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि क्या मैं जिससे प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ मुझे सुकून मिले, क्योंकि इस व्यक्ति को चाहिए ही क्या, इस व्यक्ति को राइट ना को सुकून ही चाहिए, ठीक है। एक ऐसा ये जिसे कहते हैं ना ढूंढ रहे हैं रास्ता, या फिर ऐसे ही मंजिल की तलाश में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इनको 2 पल का सुकून मिल जाए, 2 पल इनको कोई प्यार कर ले, ठीक है, 2 पल के लिए ही सही, पर इनको वो वक्त मिले जिसके लिए इन्होंने सारा का सारा मैस क्रिएट किया है, ये सब कुछ इन्होंने ये देखा है, ठीक है। तो जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं, जो भी एफर्ट्स इस वर्ष से व्यक्ति की लाइफ में चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है उसमें इस व्यक्ति के बहुत कुछ ऐसा है जो बिखर रहा है, टूट रहा है, और आपके पर्सन उससे कैसे बाहर निकले इनको समझ में नहीं आ रहा। ज़्यादातर मुझे ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए नज़र आ रही है कुछ लोगों के केसेस में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सब परसेंटेज में तो कहीं ना कहीं 60% ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर आप या तो थर्ड पार्टी कनेक्शन सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर आपका जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ नज़र यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये मैरिड पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं। तो व्यूअर सबसे शुरू में जो मैं आपसे बात कर रही थी कि वो एक मैंने आपको एक डायलॉग सुनाया था ना मूवी का, तो उसका सीधे सीधे बात यही नज़र आ रही है कि वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अड़ा हुआ था कि नहीं मैं तो ये करके रहूँगा, मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये कनेक्शन चाहिए, मेरी तो ये डिज़ायर है, मैं इसको इसको हर हाल में पाके रहूँगा या अपनी लाइफ में हासिल करके रहूँगा या रहूँगी, ठीक है, चाहे मेल फीमेल जो भी हो, आज वो व्यक्ति मुझे यहाँ पे सरेंडर करता हुआ झुकता हुआ, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है अपनी ही डिज़ायर की वजह से। इस व्यक्ति ने बहुत कुछ अपने लाइफ में ऐसा है जो झेल लिया है, और अब ये व्यक्ति और ज़्यादा यहाँ पे जैसे कि उस दर्द से गुजरना नहीं चाहता, क्योंकि उस दर्द की पराकाष्ठा अगर आप कहें तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में राइट नाउ देखता हुआ यहाँ पे या देखती हुई यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, इस व्यक्ति ने यहाँ पे सरेंडर किया हुआ है, झुके हुए हैं, सर झुका हुआ है इस व्यक्ति का यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इस वजह से इस व्यक्ति का जो पूरा का पूरा आप देखेंगे इस वक्त जो नेचर बिहेवियर है आपके सामने हो, अगर आप इसके साथ में कांटेक्ट में हैं, और नो कांटेक्ट अगर आपके साथ में क्रिएट हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है आपको यहाँ पे सीधे सीधे ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मैं आपके लिए यहाँ पर अब इस पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर देख लेती हूँ कि फीलिंग्स यहाँ पे
क्या है आपके पर्सन की अब इस वक्त में। ओके सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, अब मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके पर्सन की इनके लिए राइट नाउ ट्रू फीलिंग क्या है, जिसको लेके इनकी करंट एनर्जीज निकल के आई है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें क्या है उस व्यक्ति की राइट नाउ की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके सो वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड एंड व्यूवर्स हमारे पास आता है किंग ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड एंड द टावर। ठीक है, बॉटम से आ रहा है टेम्परेंस। ओके व्यूवर्स, तो आपको सारे कार्ड्स आपकी फीलिंग्स वाले नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे दूर है, क्योंकि टावर आया है। टावर ने हर चीज़ आपके कनेक्शन में, मतलब इस समय ये कहूँगी कि डिस्ट्रॉय करी है, और कुछ भी ऐसा नहीं है व्यूवर्स इस व्यक्ति की लाइफ में जिसको लेके ये बोल सके कि यार मेरी लाइफ में सुकून है। ठीक है, आपके पर्सन सबसे पहले ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मेरा रिश्ता जो टूटा है, या तुमसे मैं जो दूर हुआ हूँ या हो गया हूँ, ठीक है, आज मुझे अपनी लाइफ में, मैं खुद भी बहुत दर्द से या तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ, तुमसे दूर रहना या तुमसे दूर हो जाना या इस रिश्ते में जो भी कुछ हुआ है, आज मुझे समझ में आ रहा है कि यार बहुत कुछ ऐसा है जो अब इसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक तरह का व्यूवर्स यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि अगर आप दोनों के बीच में कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें, मैं अगर ये बोलूँ कि ये सामने आ चुकी हैं, सामने रिवील हो चुकी हैं, तो व्यूवर्स ये पर्सन उस चीज़ को लेकर यहाँ पे देखो जैसे कह रहे हैं कि मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं खुद भी तुमसे दूर रह के खुश नहीं हूँ, या फिर मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता, मैंने बहुत कुछ अपना अपनी लाइफ का दांव पे लगा दिया, मेरी लाइफ मेरा लव मेरा रिश्ता बहुत कुछ यहाँ पे दांव पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये पर्सन उन चीज़ों से कैसे ओवरकम करें, कैसे रिकवर करें, इस बात को बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपसे एक बात और बता दूँ कि आपके कनेक्शन में राइट नाउ ये पर्सन बहुत कुछ ऐसा है जैसे रात भर जाग जाग के सोचते रहते हैं आपके बारे में। ठीक है, वो आपसे बात करें ना करें, जो हुआ है वो कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे सब कुछ हैंडल करें, ये सब चीज़ें इस व्यक्ति की लाइफ में चल रही हैं। अगर ये इस समय आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करे हुए हैं, तो व्यूवर्स ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट करे हुए हैं ताकि जैसे कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से जो टावर है उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही क्रिएट करना बेहतर हो सकता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करने की समय कोशिश करें, क्योंकि ऐसा एक्शन में कार्ड नज़र भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए, तो ये जस्ट आपके सामने एक ऐसा बनने की कोशिश करें जैसे कि एक सिंसियर पर्सन। ठीक है, जैसे कि इनको एहसास है अपनी गलतियों का, ये यहाँ पे रियलाइजेशन की एनर्जी मुझे मिल रही है। जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे पता है कि मेरे हाथों बहुत कुछ गलत हो चुका है, और नाउ मैं बहुत कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन भी बस यहाँ पे जिम्मेदारी उठाना, ये कह सकती हूँ, या अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना, ये रियलाइजेशन में आ जाना, इनको समझ में आ जाना कि यार इनसे क्या कुछ हो गया है, क्या कुछ इन्होंने कर दिया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो यस यस व्यक्ति की कहीं ना कहीं सिचुएशन भी यही नज़र आ रही है कि ये जो व्यक्ति हैं इस वक्त अपने हालातों को हैंडल करने में नज़र आ रहे हैं, क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्लम को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम डीलिंग जो भी नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं एक लव अफेयर को लेके ही है, जिससे पारिवारिक कला कलेश को ये पर्सन हैंडल करना चाहते हैं। परिवार के अंदर ही मुझे चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ठीक है, इनका इस समय जो फोकस एरिया है ना, वो इनका फैमिली मैटर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते की वजह से इनकी फैमिली में बहुत कुछ ऐसा है जो गलत हो रहा है, या फैमिली में बहुत कुछ ऐसा है जो गलत हो चुका है, और आपके पर्सन उस चीज़ को बार 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 इनको पोक किया जा रहा है। पोक करना समझते हैं ना, एक ही बात को इनके सामने घुमा फिरा के वही बात इनके सामने हो रही है या चल रही है, और आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि ये इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले, या फिर अपनी लाइफ में जो हो गया उसको ये कैसे दिमाग से निकालें लोगों के। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही चाहते हैं, जैसे अपनी इमेज को रिप्लेस करने वाली एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस वक्त इस व्यक्ति की लाइफ में टेंशन बहुत है। ठीक है, और ऐसा नहीं है आपको भूल चुके हैं आपके पर्सन से, पहले तो आपको ये कह रही है कि यार अगर मैं तुमसे दूर हूँ, ठीक है, तो ये मान लो कि मैं सिर्फ मतलब अलाइव हूँ, लेकिन अलाइव होके भी अलाइव नहीं हूँ। ये व्यक्ति इस तरह की एनर्जीज में आ गए हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति इस समय दो भागों में बटे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कहते हैं ना दो भागों में बट गया है, ना ये पर्सन इधर का है ना वो पर्सन उधर का है। अपने आप को समेटने की पर्सन खुद में खुद कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस वक्त, इवन तो आप भी नहीं है, जो उस व्यक्ति को थोड़ी सी संतावना दे सके, या इसको थोड़ा प्यार कर सके, या इसको हील कर सके, या इसको समझ सके,
ठीक है, ये व्यक्ति के पास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये अपने दिल के हालातों को नहीं जाहिर कर पा रहे हैं और इनकी सारी एनर्जी समय जाया ही हो रही है, मैं ये बोलूँगी। मतलब कोई एक्शन का रिजल्ट नहीं आ रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में, राइट नाउ यही चल रहा है। ओके व्यूवर्स, तो मैं यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सनल कुछ चैनल मैसेज देखूंगी, चैनल मैसेज से आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चैनल मैसेज लेने से पहले कुछ राशिज बता दूँ, जिससे आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये रीडिंग मुझसे रेजोनेट हो रही है। तो यहाँ पे सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है, मेष सिंह धनु की राशि है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें ये राशि बहुत स्ट्रांग आई है, मेष सिंह धनु और जमुना लिब्रा एक्वेरियस मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि है यहाँ पे। इसके अलावा बहुत कम में मुझे यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, बहुत ही रेयर में, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी मिलती है। ये राशियाँ बहुत कम इम्पैक्टफुल हो सकती हैं, लेकिन है, इनका असर भी है, यानी आपके पर्सन की, कुछ लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है कि आपके पर्सन की भी राशियाँ हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि है वो यहाँ पे मैंने आपको 6 बता दी है। ठीक है, सो चलिए कुछ चैनल मैसेज आपके पर्सन के देख लेते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है, वो इनको क्या संदेश अपने देना चाहते हैं। डिवाइन एंजल प्लीज हमें बताएं, गाइड करें। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो आपके पर्सन ने आपके लिए ये भी मैसेज है, कुछ लोगों के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। काश उन्होंने आपके साथ में बर्ताव अच्छा किया होता, काश उन्होंने आपकी कुछ बातों को समझा होता, काश उन्होंने कुछ बातों को इग्नोर नहीं किया होता, काश अपने एक्शन कुछ वक्त रहते संभाल लिए होते। ठीक है, तो ये एनर्जी का वो नजर आ रही है। ओके, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, तो अभी आपके पर्सन की लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट किए हुए हो सकते हैं, तो उसका रीजन एक यही है कि जो टावर आया है इस व्यक्ति की लाइफ में, ये उससे डील कर रहे हैं और उससे उस पेन से गुजर रहे हैं, और उस पेन के चलते हुए, ठीक है, यानी इनकी फैमिली में ही है सारा का सारा इश्यूज, यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बता दूँ। और ये उस पेन के चलते हुए ना, ये इस स्थिति में नहीं है कि आपसे बात कर सके, आपको सिचुएशन अपनी बता सके, या फिर दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल सके। ये इस कैपे इतना अपने आप को कैपेबल नहीं मान रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि पहले मैं खुद को संभाल लूं, या फिर उस तरफ जो कहते हैं ना, दूसरी तरफ जो सिचुएशन चल रही है उसको संभाल लें, फिर ये आपसे रिकॉन्टेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये वो भी एनर्जी से यहाँ पर आ रही है, कुछ लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और आपको नहीं पता कि आपका पर्सन कब बात करेगा, या करेगा या नहीं करेगा, क्या चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, तो आपके पर्सन कह रहे हैं जैसे कि लेट मी सॉर्ट आउट दिस, फिर मैं आपसे रिकॉन्टेक्ट करूंगा। आई रीप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो आप दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन के दिमाग में, अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत सारी चीज़ों को रीथिंक कर रहे हैं कि यार ये हुआ था, वो हुआ था, उसने ये बोला, उसने वो बोला, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता, तो इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन ने, जहाँ पर चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, एक लाइफ की रील चल रही है और आपने एक्शंस ये देख रहे हैं, और आपके कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं ना, काश कहते हैं ना हम लोग, यार काश मैं उस वक्त ये कर लेता, या काश मैं उस वक्त वो, मैंने ये ना किया होता, या ये ना किया कर रही होती, तो आपके पर्सन ये सब चीज़ों को रिप्ले कर रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट अवेलेबल, डेफिनेटली अभी आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, जो सिचुएशन मैंने देखी है उसके अकॉर्डिंग तो इस पर्सन की स्थिति नहीं है कि आप आपसे बात कर सकें। तो ये कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, या फिर ये कहूँ कि जो आपके पर्सन फैमिली इशूज़ में ट्रैप हो गए, फंस गए हैं, तो उस वजह से भी आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इनके पास में कुछ है ही नहीं कहने को, ये कहेंगे कि आपसे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था ना झुक गया है सर इस व्यक्ति का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। आई बुरी माई सेल्फ इन वर्क एंड फॉरगेट टू फॉरगेट यू, तो ये आपके लिए समय कर क्या रहे हैं, देखो ये भी एक मैसेज है कि यानी आपको भुला पाना भी नामुमकिन है इस व्यक्ति के लिए, आपको भूल के भी ये भूल नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं, जैसे आपकी मेमोरी से दूर रहने की कोशिश करने के लिए, या फिर आपके लिए जो उनके दिल में प्यार है उसको ये दफनाने की कोशिश कर रहे हैं, या उससे मतलब ओवरकम तो कर नहीं सकते, क्योंकि दिल की यहाँ पे बात है, दिल इतनी आसानी से किसी के साथ में अगर लग जाए तो भूलता नहीं है किसी को, दिल है ना, दिल ऐसे ही नहीं भूल जाता, दिल लगाना आसान होता है, किसी से डिटैच करना बड़ा मुश्किल होता है, वो अपने हाथ में नहीं होता, ना लगाना अपने हाथ में, ना किसी को भुलाना अपने हाथ में होता, अगर इतना आसान होता तो लाइफ ही इंसान की, इंसान भगवान बन जाता। तो आपके पर्सन कर क्या रहे हैं, इनको पता है कि इनके लिए आसान नहीं है, तो ये अपना जितना भी फोकस है वो काम काम काम, जैसे 24 घंटे है सिर्फ काम काम में दिमाग लगा रहे हैं, ताकि इतना खुद को बिजी रख रहे हैं, जैसे कि मान के चलो कि अगर दिन के 24 घंटे हैं, तो ये व्यक्ति सिर्फ सोने के लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं, और बाकी का सारा टाइम अपने काम को डिनोट कर रहे हैं, ताकि
इनको इनके ऊपर इतना काम रहे, इतना काम में उलझ जाए कि कुछ और सोचने की इनके अंदर इनके पास टाइम ही ना बचे। क्योंकि जितना इनके पास फ्री टाइम होता है या जितना ये जैसे ही खाली होते हैं, इनके दिमाग में सारी चीज़ें आपके लोगे चलने लगती है, आपकी बातें चलने लगती है, ठीक है, आपका कनेक्शन चलने लगता है, और ये पर्सन बड़े परेशान हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता फ्री क्या करें। कहते हैं ना, दिमाग में अगर कुछ बात आ जाए तो दिमाग एक की चार करता है, कैलकुलेशन बहुत जल्दी करता है, या उसको मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करता है। तो आपके पर्सन ने ये तरीका निकाला है इस वक्त आपसे दूर खुद को रखने का, या फिर इस सिचुएशन में जैसे वो फंस गए हैं उससे कैसे बाहर निकलने का, या फिर आपका प्यार इनको इतना ज़्यादा ना तड़पाए उसमें ये कैसे अपने आप को ओवरकम करें, ये उसका तरीका इनका नज़र आ रहा है, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की रीडिंग। क्योंकि अगर आप बॉटम से कार्ड देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी एक सीधे सीधे मैसेज आता है, सम टाइम आई अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो जब जब ये सोके में उठ रहे होते हैं ना सुबह में, ठीक है, तो भी इनके दिमाग में आप ही चल रहे होते हैं। तो आप इनके दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति आप हो जो 24 घंटे है, ठीक है। तो 24 घंटे अगर कोई दिमाग में चल रहा है, सोते सोते भी दिमाग में कोई चल रहा है, सुबह उठते हैं तो दिमाग में आप हो, तो क्या करे इंसान, वो तो पागल ही हो जाएगा ना। तो वो इन्होंने ये तरीका निकाला, यार काम में घुसे झोंक दो अपने आप को, ठीक है, इतना काम में घुस जाओ कि फिर कुछ समझ ही ना आए या कुछ सोचने का मौका ही ना मिले, ठीक है। सो ये थी व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। लेकिन ध्यान दीजिए, पर्सनिंग चार्जेबल होती है। सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।